What's up guys, welcome back to my channel, welcome back to another reaction video. तो आज हम react करने वाले guys कर्मा और यंग गालिब के गाने पे. तो जल्दी जल्दी गाना सुनते without wasting any time. वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है guys, याद से सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ. लेट्स स्टार्ट. ब्लैक एस्केप प्रोडक्शन. अब तक तो म्यूजिक सही जा रहा है, पूरा डार्क वाइब्स दे रहा है. थैंक गॉड बन टाइगर स्टूडियो. अच्छा हुआ तूने बाहर नहीं हगा. अच्छा हुआ दिया तूने तेरा बेस्ट, तेरे फैंस को भी इतना बिगाड़ नहीं लगा. पर मेरे लोग जाने मेरा काम, मेरा एक सोल्जर तेरी आर्मी सफा. तूने कलम से कार ली पलटेगी वो यू नो यू भी. सरकार की सजा मिलेगा हेडशॉट हर बार. देख झोपड़ पट्टी के ऊपर पहाड़ देख. झोपड़ पट्टी से मैं भी यू केम फ्रॉम द बॉटम. सिंपैथी नहीं खाई इस बात पे, ये मेरे पैर में पड़े वजह से कारपेट. देख लिया चांद अब स्टार देख. आई होप सब्सिडियरी हो आधार पे, इन केस तुझे बंटी नकार दे. नॉट ऑन ट्विटर येट पर सुना मैंने अकाउंट बने मेरे चार फेक हाई पैक. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो इसने बात बोली कि मैं भी झोपड़पट्टी से आया हूँ लेकिन मैंने कभी इस बात पे सिंपैथी नहीं ली. तो ये बात ये है कि ये बात सिंपैथी लेने लायक है ही नहीं. मतलब ये एक ऐसा लाइन है ना जो फ्लैक्स करने लायक है. मतलब ये बात तो डिवाइन भी हर बार बोलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ. बोले धारावी से कराची. हम लोग इधर का धारावी आके देखो कैसा है, ठीक है. तो वो सिंपैथी नहीं मांग रहा है, वो फ्लैक्स कर रहा था भाई. कोई भी अगर ये जो लाइन बोलता रहेगा ना कि भाई मैं झोपड़पट्टी से हूँ तो ऐसा नहीं बोल रहा अरे भाई सबकी सिंपैथी मिलेगी इसलिए, ये नहीं बोलता रहेगा. वो ऐसा सब लोग मतलब वो सबको मोटिवेट करने या तो वो खुद का फ्लैक्स करने के लिए बोलता रहेगा कि भाई अगर मैं झोपड़पट्टी से आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं झोपड़पट्टी से आने के बाद भी यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो तुम लोग भी पहुँच सकते हो, ठीक है. ये वाला सीन है मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को यही लगता है. बाकी देखते आगे और गाने में क्या क्या बोलने लायक है इसके. अच्छा हुआ तूने बाहर नहीं हगा. अच्छा हुआ दिया तूने तेरा बेस्ट, तेरे फैंस को भी इतना बिगाड़ नहीं लगा. पर मेरे लोग जाने मेरा काम, मेरा एक सोल्जर तेरी आर्मी सफा. तूने कलम से कार ली पलटेगी वो यू नो यू भी. सरकार की सजा मिलेगा हेडशॉट हर बार. देख झोपड़ पट्टी के ऊपर पहाड़ देख. झोपड़ पट्टी से मैं भी यू केम फ्रॉम द बॉटम. सिंपैथी नहीं खाई इस बात पे, ये मेरे पैर में पड़े वजह से कारपेट. देख लिया चांद अब स्टार देख. आई होप सब्सिडियरी हो आधार पे, इन केस तुझे बंटी नकार दे. नॉट ऑन ट्विटर येट पर सुना मैंने अकाउंट बने मेरे चार फेक हाई पे कम वक्त. अब क्या बने गैंगस्टा. द ओनली टैलेंटेड यंग आई नो इज माय जी यंगस्टा. तेरे ट्रैक है शिटी, दैट लेबल इज डंपस्टर. सो आई गेस नाउ फ्री 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 फ्री. कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा दोस्त. यू आर नॉट लुकिंग लाइक बीस्ट मोड. भटूरे की खमीरी चेहरे पे दिख रही, इट्स मोर ऑफ अ यीस्ट मोड आई गेस. तू लिख रहा कम मैन नाउ यू ईट मोर. चीप ब्रो व्हाट, इट्स फेयर टू बॉडी शेम जब ये बना रहे मजाक ऑफ माय स्पीच. तो कस दैट्स चीप ब्रो. You're a noob in this bro, cause this sport needs pro. And all you got is some cheat codes on this beef's joke. This goes for each of you lil hoes. Wanna take some of my inch, so suck a dick, give a deep throat. Heat bade like a fucking heat stroke. Wow, bhai. Gar bad gaya taap maan le, cooler kar deta hun saamne. Mere gaane chale inke naam se, 1 se 23 mein naam liya baap ne. Shik chilli ko bol ke thank you bole. Shik chilli se bani yokat boy. Aur baaki ki baat to waisi. I got that devil's back, that Yujiro wala hat boy. Inhi ke crew ke bande ka कॉला या बोला गूगल पे में चोट डाला भाई. ये स्निच बिच वाले काम नहीं आते तो स्क्रीनशॉट नहीं डाला भाई मैंने बहुत. ये तो मेरे को तो लगता है ये बात जो ये जो लाइन बोली उसने कि इन्हीं के क्रू के बंदे का फोन आया. अभी तो ये नॉर्मली हो चुका है, हर डिश में ये लाइन बोली जाती है भाई कि जिस पे डिश लिखा जाता है ना वैसा बोलेंगे भाई. तेरे ही ग्रुप का बंदा है तो तेरा ही दोस्त या तो तेरा ही भाई उसने मेरे को मैसेज किया डीएम किया भाई तूने बहुत सही गाना निकाला है. ये सब अभी ये सब तो नॉर्मल हो चुका है. मेरे गाने चले इनके नाम से, 1 से 23 में नाम लिया बाप ने. शेख चिल्ली को बोल के थैंक यू बोले. शेख चिल्ली से बनी औकात बॉय. और बाकी की बात तो वैसी. आई गॉट दैट डेविल्स बैक, दैट यूजीरो वाला हाथ बॉय. इन्हीं के क्रू के बंदे का कॉल आया बोला गूगल पे में चोट डाला भाई. ये स्निच बिच वाले काम नहीं आते तो स्क्रीनशॉट नहीं डाला भाई मैंने बहुत दिन तक ताला. पर हमेशा मुंह पे नहीं रह सकता ताला बॉय. आई एम दैट एमवीपी ऑफ दिस रैप गेम. मुझे किसी ने नहीं निकाला भाई. गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट, cuz that you will need. हां ये बात सच है. ये बात सच है कि भाई से ये जो रफ्तार और एमवे का डिस हुआ उसके बाद एमवे कुछ भी मानता रहेगा कि इसके बाद उसकी उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए. मतलब वो उसने कितना ग्रो किया वो खुद भी एक्सेप्ट करता रहेगा ये बात को कि वो डिस गेम के बाद क्या हुआ उसके साथ. तो आज वो जो भी है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई वो डिस की वजह से ही सब कुछ बना है. उसके पहले तो वो कुछ था भी नहीं, थोड़ा बहुत था. मैं खुद नहीं जानता था एमवे को तभी तक कसम से भाई.
वो बात अलग है, तो मतलब गाने सुन रखे थे उसके, लेकिन एमवे उसने गाना लिखा है, वैसे पहले था भी नहीं ना गाइस, मतलब जो गाना सुनने मिला बस अब पहले तो खाली गाना सुनने से मतलब था, लेकिन आज तो सबसे मतलब हो चुका है कि गाना कौन गा रहा है, कौन है लिरिसिस्ट, कौन है अभी म्यूजिक, तो वो सब देख के सब लोग गाना सुनते कि अभी किसने लिखा है करके, ठीक है। तो पहले गाने सुन रखे थे एमवे के, वो आउट ऑफ संपर्क करके कोई गाना था, फिर कड़क बन वाला गाना था, वो गाना सुने थे, बट ऐसा नहीं होता था कि वो एमवे ही है। बट डिस के बाद सब लोग एमवे फैंस खुद एमवे भी ऐसा तो अपने दिल के कोने से ऐसा मतलब उसको ऐसा थोड़ा बहुत तो लगता रहेगा एमवे को कि हाँ भाई, इसके बाद मतलब मेरा ग्रो बहुत ही हुआ, ठीक है, वो खुद भी मानता रहेगा, और मैं एज ए एमवे फैन मैं खुद भी मानता हूँ ये चीज, ठीक है। उसका काम अच्छा होने लग गया, ठीक है, उसको समझ में आने लगे गाने कैसे बनते, और जो वो चीज़ें देते गया वो कंसिस्टेंट होते गया, तो ये सब चीज़ भी उसने की खुद से वो सब के बाद भी, बट स्टार्ट उधर से ही हुआ। हाँ, स्टार्ट अगर एमवे का जर्नी उधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो रफ्तार भी उधर से ही ग्रो हुआ है, ठीक है। रफ्तार पहले रफ्तार कमर्शियल ही बनाता था, उसके रैप सॉन्ग ना हिप हॉप सॉन्ग देखे ही नहीं थे मैंने, मतलब वो पहले कमर्शियल ही बनाता था, बेबी मर वाके मन है कि वो वाले सब गाने। हाँ, रफ्तार पता था वो बंदा कौन है, ठीक है, रफ्तार पहले से पता था वो बंदा कौन है, क्यों, क्योंकि वो बॉलीवुड में आ चुका था, उसके बॉलीवुड में गाने आ चुके थे, तो समझ में आ रहा था कि वो बंदा कौन है, ठीक है। लेकिन जब भी हिप हॉप लिसनर से मतलब या हार्डकोर हिप हॉप लिसनर्स वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रफ्तार खुद अगर हिप हॉप में आया है, अगर आज रफ्तार का इतना नाम है, आज सब कुछ रफ्तार ने इतना खड़ा किया, तो वो उस वो चीज़ के बाद ही किया, और रफ्तार खुद भी मानता रहेगा कि उसको भी मिला है और थोड़ा एमवे को भी मिला है, ठीक है। इतनी ऑडियंस तक वो गया है रफ्तार, तो वो उसी की वजह से गया। 132 गेम मुझे किसी ने नहीं निकाला भाई, गेट योर फैक्ट स्ट्रेट, cuz that you will need and let me show you how to do it on a drill beat. My ops gone with the wrong turn, khud ki chaat hai, they be born with the long tongue, born cause stone tha wo condom, my swear ghanta nahi janta main kaun tum, my swear janta nahi jante ki kaun tum, cheer your boss will call if you want some, taro ki chaon tere vidai no phantom, bar complex is a quantum, you won't understand them, I'm drawing a line, tu bhi se aage na badhiyo aur josh mein career ke ghaate na kariyo, main chiller bana dunga pillar bana dun, ye lauda lasan wali baatein na kariyo, main janta bakhubi ki tumme kya khubi hai, you want the smoke then just pass me the doobie, ye li nahi hai naam mein par palu basuri, ye kaisi mashhoori leke ghume noobie, then baby assuming ki के ये जीतेंगे गानों से जल्दी बिन डाले कस्तूरी मसूरी में टूरिस्ट की तरह या कूड़ा फैला रहा है तू भी म्यूजिक कंफ्यूजिंग करवाते हैं हार्ट फ्रॉम यूपीज इन टूपीज ये मांगे रिप्लाई जस्ट लाइक एन ओल्ड एज परवर्ट ड्यूटी पे क्यूटी से मांगे द पिक ऑफ अ बूबीज क्योंकि तुम जैसे ये एलए के बैठे सो टेक्निकल इट्स नॉट बन टाइप की प्यूबिक तो जब भी यो वक्त और जब भी यो मन जब भी स्किल्स को करेंगे ट्राई छोड़ेंगे बंदों के कंधों पे दम पर अब नहीं ये मन दिस बीफ इज नो फन अगर ये फिर से मांगे रिप्लाई करूं इग्नोर इन दिस वी आर डन हैं बट इसके बाद तो गाना है इस भाई का सही चलो मैं चिल्लर उठा के पिलर बना दूंगा हर एक गाना मेरा किलर बना दूंगा नॉट बैड ना यू मैं चिल्लर बना दूंगा पिलर बना दूं ये लौड़ा लसन वाली बातें ना करियो हार तो गया कर्मा लेकिन थोड़ा कोल्ड वाइब्स के साथ गया हार्ड लास्ट का ड्रिल बीट बहुत सही था जो उसने लाइंस बोली उसमें चिल्लर पिल्लर वाली सही लगा अभी मेरे को नहीं लगता कि यंग आदेव शान बैठने वाला है इसके बाद मैं देगा तो पूरा मतलब इसने बोला तो था कि भाई ये गाने के बाद उसका रिप्लाई नहीं आएगा लेकिन आया रिप्लाई ठीक है तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा और ये इसके लास्ट गाने में भी मतलब मतलब अभी रिसेंटली जो गाना आया कर्मा का उसमें भी उसने बोला कि नहीं देगा रिप्लाई अभी देखते फिर वो बात किस हद तक सही है सुनते हैं यंग गालिब का भी गाना क्या काउंटर देता है वो भाई क्या क्या बातें कवर करता है और क्या क्या न्यू ऐड करता है भाई ठीक उसको भी किसका फोन आया करके वैसे वो सब क्या वो भी क्या क्या फेंकेंगे क्या मन देखते दोनों भी जन डार्क वाइब्स भी लेके आते भाई उसने बोला था मैं देखा तो ड्रिल बीट पे कैसे करते तो उसने मतलब थोड़ा सा पार्ट कर्मा ने लास्ट का उसके गाने का ड्रिल किया तो ये पूरा गाना ड्रिल से लेके आया भाई थोड़ा थोड़ा केएल वाला साइन वाला वाइब जा रहा है
क्या सच तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगा। तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। हम खाते पीते घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। पूरा डीएचएस फैक्ट ये जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल गला। क्या बचकाने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे, भेजे पे नहीं अब दूंगा मैं दिल पे। पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे। हल्के में लेगा तू ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है। शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है। पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ पे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से। झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे। अपन है शेर है प्यासे है खून के, घुसेंगे धुन पे मारेंगे धुन के। मुझे चलते देखेगा रेड कार्पेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेट। ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझ जैसे दस मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे। सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे। बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे। चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाई पे। कम बक तू है डम फक बस, जैसे फिल्म के तू। अरे उसने बोला था अगर तू मेरे स्पीच का, अरे वो मेरे हकलाने का मजाक उड़ाता तुम लोग कितने चीप हो। तो फिर वापस से इस गाने में भी दे दिया भाई, हकला बोल दिया, वापस से मजाक उड़ा दिया। अरे भाई मतलब कोई फर्क ही नहीं भाई, कुछ भी बुला हम देखो बुलाएंगे। मुझे चलते देखेगा रेड कार्पेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेट। ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तू जैसे दस मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे। सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे। बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे। चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाई पे। कम बक तू है डम फक बस, कितने से फिल्म के तू लायक है। तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर। सामने से आया तू कैसे मैं जाने दूं, अब पेलेगा तुझे ये यंगस्टर। बबली का ले रहा मजा मैं फ्री फ्री, बबली खुद देरी मजा है फ्री फ्री। मालूम ना रेडिस का क्या है फ्री फ्री, राखी के घर में बल्ला ये फ्री फ्री। बबली खुद देरी मजा है, अभी तो पिक्चर बाकी है बबली। तेरी लेने के लिए तैयार था, जैसे आई एम ऑन अ बीफ मोड। कोलेस्ट्रॉल खत्म छोले स्टॉल वाले, अब देखो और डिश धो। तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड। एक नंबर अंग्रेजी तेरी, रुक अभी पुरस्कार देता हूं देखो ले। खुदा का खौफ है सीने में बम्बैया जिगर, तो दुनिया का डर क्यों। भिड़ने पे आती तो जानती जनता, हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू। घोरे जो अपने को गायब कर डाले ना, गलती से आना नजर तू। कूलर की जरूरत नहीं घर पे, दो एसी मैं जब चाहूँ मौसम बदल। तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले, शिक्षिली से आया हिप हॉप में। समझ में आया जब भैया ने डिस किया, क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे। यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है। ढस नहीं पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। मेरा हुड बाबा पहले से कॉम टर्म, विजन है लॉन्ग टर्म, पसंद है रॉन्ग टर्म। पता ना कौन एनिमीज बॉट है, मेरे एनिमीज बॉट है। मिलेंगा भिड़ेंगा मेरे से तो जगह पे मौत है। लाइन हो गई कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में। ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी। आई वांट टू स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही। ये लौड़ा लसन वाली बात किया, इससे पता चला यहां पे कौन छपरी। चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते। लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आ जाता करियर बना देते। अभी मतलब अभी भी उसका अच्छा ही सोच रहा है, ठीक है डिस कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका अच्छा ही सोच रहा है कि भाई आ जाता, देखो गाड़ी भी मिल जाती, देखो ये मतलब वो इनविटेशन दे रहा है कि आ जाना। ये मतलब ये डिस के साथ उसको इनविटेशन भी दे रहा है, हिंट भी दे रहा है कि अभी भी आ सकता है। तो ऐसा पिलर उठा के हम पिलर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते। लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आ जाता करियर बना देते। अभी अमन तेरी लेंगे हम, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के, नई गांड में दम। अभी तो जस्ट शुरू है जंग, ये बीफ नहीं एक तरफा, सो आई एम नॉट डन बिच। कैसा गर्म आए वे जो तू वापस नहीं आएगा, और अगली बार आएगा तो काउंटर लेके आना, समझा गया पब्ले। जवाब दिया उसने, ठीक है वो कार की बात, फिर चिल्लर पिल्लर वाली बात, हर एक चीज का काउंटर दिया है। बरोबर से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आया है, पूरा एकदम एक रात पहले ट्रेनिंग लिया रहेगा बंटाई से एमएमसी के भाई क्या क्या करना चाहिए। तो उसने पहले बोला रहेगा बाकी जो बच्चों साइड में पहले काउंटर दो, जो जो कि रमा ने अपने लास्ट गाने में बोली थी, मतलब लास्ट में अभी रिसेंट वाले गाने में बोली थी कि अभी ऊनो रिवर्स हो चुका है, अभी मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मेरे को तभी नहीं समझ में आता, लेकिन साला अब जाके समझ में आया अभी क्या बोला उसने कि
मतलब अभी सीन पलट चुका है ना, अभी कर्मा इंडिपेंडेंट, कर्मा अकेला है और बीआर मतलब जो यंग गाले भी उसके बाद उसके साथ पूरा बंडा रिकॉर्ड है। वैसे पहले कैसा था, एमवे अकेला लड़ रहा था, पूरा कलमकार से कलमकार बुला रहा था, तो वो लाइन को उसने मतलब कैसा बजा, अब भी मेरे को सारा समझ में आ रहा है कि उसने क्या बोला यार। मेरे को यंग गालिब का गाना अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि एक तो ये वो हाइप कर डाला पूरा एकदम, क्योंकि वो बीटी ऐसा रहता है ना, म्यूजिक का काम क्या रहता है, सामने वाले के इमोशंस को चेंज करना। अगर तुम सैड हो तो तुम थोड़ा मोटिवेशन वाला गाना सुनोगे, वैसा अगर गाना कैसे हो थोड़ा बोलेगा तो मोटिवेशन नहीं आता, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा तो म्यूजिक से आता है थोड़ा बहुत मोटिवेशन, तो ठीक है। तो इसलिए वो म्यूजिक का काम ही है इमोशंस को चेंज करना, तो इससे ही मतलब ही पूरा हाइप कर डाला। ड्रिल बिट वैसे ही हाइप कर देता है चीज़ों को, तो और ये सीन में मतलब ये सब बातें बोलना वो भी ड्रिल बिट पे तो और अच्छी लगती है। और गाना दोनों का सही था, बट ज़्यादा मेरे को यंग गालिब का अच्छा लगा, क्यों? ठीक है, पहली बात तीन रीज़न है उसके, ठीक है, पहली बात तो बीट्स, ठीक है, दूसरी बात तो जो उसने किया लौड़ा सन का, जैसा उसने एनवायरमेंट क्रिएट किया है, किया लौड़ा सन तो वैसे ही फेवरेट है, तो दूसरा बात वो, और तीसरा बात जो बातें बोल रहा था ना उस हिसाब से जो काउंटर दिए उसने, हर एक चीज का काउंटर है ऐसा, मतलब आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, और मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके उसने कोई बात नहीं की, जो बात उसने बोली उस चीज का काउंटर दिया, एकदम प्रॉपर काउंटर दिया उसने, ठीक है। मजा भी आया सुन के गाना। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो गाइस लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, दिखाओ उनको भी भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस मेरे चैनल को। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।